हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे नॉर्मल और सर्जरियन डिलीवरी के बारे में कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और अगर सर्जरियन डिलीवरी हुई है तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आजकल के बच्चों से बात करना चाहूँगी कि बेटा कि ये जो हमारी डिलीवरी के बाद के 45 दिन होते हैं, ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस दिन होते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली लाइफ किस तरह से चलेगी वो पूरी तरह से इन 45 दिनों के अंदर ही घूमती है। क्योंकि अगर इन 45 दिनों में एक जच्चा की केयर बहुत अच्छे से हो जाएगी तो उसके आने वाली लाइफ बहुत खुशहाल होगी, वो बीमारियों से बची रहेंगे। बट अगर इन 45 दिनों में हमारी केयर नहीं हो पाएगी या हम अपने टेस्ट को लेकर कुछ कंप्रोमाइज नहीं कर पाएंगे तो हमें आगे आने वाले टाइम में हेडेक हो सकता है, ज़्यादा बॉडी पेन रह सकते हैं, छोटी छोटी बीमारियाँ जो हैं, प्रॉब्लम्स जो है हमारी चलती रहती है। तो फ्रेंड्स, पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी अगर हुई है तो उसमें हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है उसके बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमें एक तो हमें सबसे पहले जो यूज़ करना है वो है गर्म पानी। फ्रेंड्स, गर्म पानी हमें जो अगर सुबह क्या करना है कि 1 लीटर गर्म पानी को हमें बॉइल करना है, उसके अंदर एक कपड़े के अंदर हमें थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा जीरा और एक छुहारा आप उसको डाल के एक पोटली बंद कर लीजिए और 1 लीटर पानी में उस पोटली को डाल दीजिए और 10 मिनट तक उसको गर्म होने दीजिए। बाद में उस पानी को छान कर आप एक थर्मस में भर के रख दीजिए। जब भी आपको प्यास लगती है तो आपको थोड़ा थोड़ा उसी में से पानी निकाल के पीना है। बट अगर आप दिन में कोई आपको लगता है कि मुझे नॉर्मल पानी पीना है तो आप नॉर्मल टेम्परेचर का पानी या फिर थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए तो बहुत अच्छा। सेकंड फ्रेंड्स, एक 10 मूल अर्क आता है जो दिन में आपको एक बार लेना है, जो आपके मांसपेशियों में जो पेन है या आपको मांसपेशियों की जो ताकत आपको देगा। 10 मूल अर्क जो है वो लेडीज़ को मांसपेशियों की ताकत के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे बच्चों को भी बहुत न्यूट्रिशंस मिलेंगे। 10 मूल अर्क जो है अगर आप डिलीवरी के बाद लेते हो तो आपको पेट फूलना, जो बाद में जो पेट बढ़ जाता है लेडीज़ का, वो प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। सेकेंड बात हम करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी में भी आजकल स्टिचेस आते हैं तो उसमें मदर को जब बच्चे को फीड कराना तो एकदम झटके से उठ के नहीं बैठना, आपको धीरे धीरे बैठ के सीधे बैठना है और पीछे टेक लगा के बैठना है, ताकि अगर आप आगे होके बैठेंगे तो आपकी कमर झुकने का डर रहेगा बाद में। तो आपको पीछे टेक लगाना है, पेट पे एक तकिया रखना है, तकिए के ऊपर बच्चे को लिटा के आपको धीरे से फीड कराना है। बट फीड कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे का सर बहुत ज़्यादा ऊँचा भी ना हो जाए और नीचा भी ना हो, मतलब बैलेंस में होना चाहिए और बच्चे का सर उसके बॉडी से 2 या 3 इंच के ऊंचाई पे होना चाहिए। सेकंड हम बात करेंगे खाने के ऊपर कि मदर को खाने के लिए क्या देना है। नॉर्मल डिलीवरी में फ्रेंड्स हमारे लिए खाने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं कि हम हर न्यूट्रिशंस डाइट जो है हम ले सकते हैं। हम घी ले सकते हैं, पंजीरी लड्डू ले सकते हैं, हम गोंद के लड्डू ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। जूस में फ्रेंड्स हमें देखने कि हम वेजिटेबल जूस ले, जिसमें हम गाजर का जो चुकंदर का जूस ऐड कर सकते हैं। फलों का जूस थोड़ा ठंडा होता है तो इसलिए हमें शुरू के दिनों में अवॉइड करना चाहिए। हम सूप ले सकते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें 1 से 1.5 लीटर हमें दूध लेना चाहिए। हम फुल क्रीम दूध ले सकते हैं क्योंकि फुल क्रीम दूध से क्या है कि जितना रिच फॉर्म में हम दूध लेंगे उतना फीड हमें अच्छा आएगा बच्चे के लिए। और दूसरा, अगर हमें वन टाइम हम सूप या दाल में हम घी डाल के ले सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि दाल में अगर हम थोड़ी सी सौंठ डाल लें तो सौंठ डालने से क्या होता है कि उसमें हमें थोड़ी सी गर्मी हमारी बॉडी में रहती है, क्योंकि इस समय में जितनी गर्मी बॉडी को मिलेगी उतना पसीना ज़्यादा आएगा। पसीना आने से हमारे बॉडी के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब खुलते हैं। फ्रेंड्स, एक बात और ध्यान रखनी है कि डिलीवरी के बाद जब भी हमें पसीना आता है हमें उसको इमीडिएट पहुंचना चाहिए। अगर क्योंकि उस पसीने को अगर हम नहीं पहुंचते तो हमें बाद के टाइम में छाइयां फेस पे पड़ने का डर रहता है। इसलिए जो भी आपके साथ आपके मदर हैं या आपके साथ कोई हेल्पर है तो आप प्लीज़ उनको बोल के कि आपके फेस पे उस समय जो पसीना आए तो उसको इमीडिएट साफ कर दें। अब फ्रेंड्स हम आगे बात करते हैं सर्जेरियन ऑपरेशन में हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सर्जेरियन ऑपरेशन में फ्रेंड्स हमें शुरू के दिनों में सीधा ही लेटना है, हमें करवट लेके नहीं लेटना होता, क्योंकि सीधा ही लेट के हमें किसी की हेल्प से बच्चे को दूध पिलाना है। शुरू के कुछ दिन तक हमें ये प्रॉब्लम होती है
बाद में वैसे ही हमें धीरे धीरे बैठ के हमें बच्चे को फीड करवाना है, बट एकदम झटके से नहीं उठना, हमें वेट नहीं उठाना शुरू के दिनों में, और हमें जो मालिश भी करवानी है तो हमें अपने हाथ पैरों की मालिश करवानी है, हमें अपने पेट की मालिश नहीं करवानी है। बट इसमें भी हमें गर्म पानी पीना है, वही अजवाइन और जीरा और छुआरे वाला जो पानी मैंने आपको नॉर्मल डिलीवरी में बताया है, सेम हमें सर्जरियन ऑपरेशन में भी हमें वही पानी पीना है। क्योंकि इस समय सर्जरियन ऑपरेशन में क्या होता है कि लेडीज का ब्लड काफी लॉस हो जाता है, तो उसके लिए हमें एक तो फॉलिक एसिड मदर को जरूर देना है और दूसरा चुकंदर का जूस हमें कोशिश करनी चाहिए, एक या दो दिन में हमें उनको चुकंदर का जूस जरूर देना चाहिए। चुकंदर का जूस से बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है ब्लड की। सेकेंड फ्रेंड्स, हमें ध्यान देना है कि हमें कोई भी चीज हमें सर्जेरियन में या नॉर्मल में ऐसे नहीं देने जिससे मदर को कॉन्स्टिपेशन हो, क्योंकि अगर कॉन्स्टिपेशन होगी तो मदर को मोशन करने में जोर लगाना पड़ेगा और उस पर स्टिचेस खुलने का डर हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे फ्रूट्स और ऐसी वेजिटेबल्स को हमें देखने, वही हमें देने जिससे कि मदर को कॉन्स्टिपेशन ना हो, जिसके अंदर फाइबर ज़्यादा हो, हमें उसी डाइट का यूज़ करना चाहिए। दूसरा, हमें जब सर्जरी में दूध देना है मदर को तो हमें लो फैट दूध देना है, हमें फुल क्रीम दूध नहीं देना उसमें, क्योंकि हमें शुरू के दिनों में एक या डेढ़ महीने तक हमें इतना ज़्यादा फैट नहीं देना है। अगर उनको ड्राई फ्रूट्स भी देने तो कोशिश करनी है कि हमें रोस्ट करके देने हैं उनको, क्योंकि शुरू के दिनों में हमें पंजीरी नहीं दे सकते, बट हम ड्राई फ्रूट को रोस्ट करके दे सकते हैं। हम उनको दलिया दे सकते हैं, दलिया हम घी उनको दाल के अंदर दे सकते हैं, एक या दो चम्मच घी सर्जेरियन ऑपरेशन में हम दाल के अंदर दे सकते हैं, बट हम वैसे बहुत ज़्यादा घी उनको खाने के लिए नहीं दे सकते, क्योंकि उससे फैट बहुत ज़्यादा बढ़ने का डर हो जाता है। दूसरा, सर्जेरियन ऑपरेशन में थोड़े दिनों में टांकों को पकने का या टांके खुलने का डर होता है, इसलिए हम डेढ़ या दो महीने के बाद उनको पंजीरी या पंजीरी लड्डू दे सकते हैं। बट फ्रेंड्स, दोनों चीज़ों में नॉर्मल जो सर्जेरियन ऑपरेशन में हमें ये ध्यान रखना है कि मदर को जो भी चीज़ हम दें वो सॉफ्ट होनी चाहिए, ताकि उनके दांतों को बहुत अधिक जोर ना लगाना पड़े चबाने के लिए, क्योंकि डिलीवरी होने के बाद हमारे दांत, हमारी आंखें, ये सब इतने वीक हो जाते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रेशर आइज़ पे या दांतों पे देते हैं तो बाद में उनके जल्दी वीक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। पहले के लोग फ्रेंड्स, आप मानोगे कि वो जितना भी ड्राई फ्रूट देते थे वो सब पीस के देते थे, ताकि मदर को अगर पेस्ट भी करना तो वो कहते थे कि आपको ब्रश से नहीं करना, आप उंगली से कीजिए, ताकि दांत आपके मजबूत बने रहें। और आंखों को भी वो कहते थे कि आपको ज़्यादा स्टेन नहीं डालना, आपको बहुत तेज लाइट में नहीं बैठना, आपको बहुत ज़्यादा, आप आजकल के टाइम में बच्चे मोबाइल या कंप्यूटर यूज़ करते हैं, बट अवॉइड फ्रेंड्स मैं कहूँगी कि थोड़े दिन हमें अवॉइड कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमें आगे आने वाले टाइम में अपनी जॉब को हमें कंटिन्यू करना है, हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है, तो हमें थोड़े दिन इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आने और बाकी सर्जरी में ऑपरेशन में भी 10 मूल अर्क का यूज़ करना है, आपको दिन में वन टाइम लेना है, जिससे आपके मांसपेशियों का दर्द है जो उसमें प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगी उससे। और फ्रेंड्स, अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे की क्या प्रिकॉशंस लेनी है न्यूबॉर्न चाइल्ड की, हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, बाकी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स दीजिए, ताकि मुझे पता चल पाए कि मैं आने वाली वीडियो में क्या क्या चीज़ें ऐड करूं। और फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ भी जो नॉर्मल डिलीवरी या सर्जेरियन में हम जो मदर को बना के शुरू के दिनों में जो फूड बना के देते हैं, अगर कुछ चाहते हैं कि मैं उसकी रेसिपी बना के दिखाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक अलग वीडियो बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ अपने कमेंट्स देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।